रामानंद सागर के मशहूर धारावाहिक रामायण के पात्र राम लक्ष्मण यानी अरुण गोविल और सुनील लहरी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। रामायण सीरियल के कलाकार अरुण गोविल और सुनील लहरी शनिवार को ठाकुर हर नारायण सिंह पीजी कॉलेज द्वारा आयोजित श्री राम यज्ञ में शिरकत करने प्रयागराज पहुंचे थे। श्री राम यज्ञ के शुरू होने से पहले बरगद घाट मीरापुर में स्थित हनुमान जी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई अरुण गोविल और सुनील लहरी ने की। इस यात्रा का समापन ठाकुर हर नारायण सिंह पीजी कॉलेज पहुंचकर हुआ। इसके बाद विधि विधान से श्री राम यज्ञ का शुभारंभ किया गया। रामायण सीरियल के भगवान राम का चरित्र निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने कहा है कि आज देश में रामराज की परिकल्पना साकार हो रही है। उन्होंने कहा है कि चारों तरफ का वातावरण राममय हो गया है, चारों तरफ प्रभु श्री राम की ऊर्जा है और हर व्यक्ति इन पलों को जीना चाह रहा है। वर्षों से लोगों ने इंतजार किया था, वह आज चारों ओर दिखाई दे रहा है। चारों ओर प्रभु श्री राम के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि इससे ज्यादा अद्भुत कोई बात नहीं हो सकती है। ये तो हम सब देख रहे हैं कि रामराज्य की कल्पना किस तरह साकार हो रही, चारों तरफ का जो वातावरण है वो राममय है, इतनी राम की ऊर्जा है चारों तरफ और हर व्यक्ति जो है इन पलों को जीना चाह रहा है। जो बरसों से इंतज़ार करते थे, सालों साल इंतज़ार किया है सब ने, आज वो हमें चारों ओर हमारे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ राम राम जय श्री राम का नारा लग रहा है। इससे ज़्यादा अद्भुत बात और क्या हो सकती है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो धीरे धीरे जो रामराज्य में जो नियम थे, जो मॉरल्स थे, हमारे जो संस्कृति थी हमारी, वो हमारी धीरे धीरे अब वापस आ जाएगी, उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा हर तरह से शुरुआत हुई है जो हमारी संस्कृति को हमें वापस हम दिलाएगी। राम मंदिर जो बन गया है वो तो मतलब एक ऐसी घटना है जो पहले कभी हुई नहीं थी और इतने अद्भुत तरीके से होगी, इसका भी सोच नहीं पाते थे हम, मतलब कल्पना नहीं कर पाते थे कि किस तरह से होगा। लेकिन जो हुआ है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए उसके लिए शब्द नहीं मिलते। इतना सुंदर, इतना दिव्य हुआ है चारों तरफ, इतना अद्भुत था वो पल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पर। और हमारे जीवन की तो सबसे बड़ी घटना है ये, और ये बहुत हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन में ये हो गया। हाँ, क्योंकि इतने सालों से जो नहीं हुआ था वो अब हो गया, तो इसके लिए जो सारा श्रेय है वो परमादरणीय मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच लेते हैं वो कर गुजरते हैं। और इतने अच्छे से किया है, इतने अच्छे से सब लोगों ने मिलकर किया है, बहुत अच्छा लग रहा है इन दिनों। बहुत बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हम सबके बीच में बह रही है चारों तरफ। नौजवान बीच में ऐसा लगता था कि नौजवान जो है वो कहीं जुड़ नहीं रहा है, लेकिन अब इन दिनों लगता है कि जब से रामायण टेलीविज़न पर आई थी कोविड के ज़माने में, तब से लेकर और उस वक्त हमारे जो युवा पीढ़ी थी उसने रामायण को देखा ठीक से और रामायण को समझने की कोशिश की, और आज का जो युवा है वो तो बहुत जुड़ गया है। पहले युवा कम दिखते थे, लेकिन आज जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं, मिलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाले, सबसे ज़्यादा आदर देने वाले जो है वो युवा हैं। तो और हर चीज़ जो होती है वो कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी, सब कुछ युवाओं से शुरू होता है। तो युवा क्योंकि जुड़ गया है तो इसलिए जो रामराज्य की जो हमारी परिकल्पना है वो पूरी होने जा रही है। बिल्कुल तीर्थ स्थली में जब आप भगवान के और ज़्यादा नज़दीक अपने आप को पाते हैं, और जब इंसान को ये लगे कि मैं भगवान के और ज़्यादा नज़दीक हूँ तो उसे और क्या चाहिए, इससे अच्छा जो फील होता है वो तो और कहीं मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, और ये तो बहुत पुण्य स्थली है। कल हम हनुमान जी के मंदिर गए थे, हमने वहाँ दर्शन किए, और इन स्थानों पर जाकर ना जो एक फीलिंग आती है, जो पॉजिटिवनेस आती है जीवन में, एक विचारों में जो विचार बदलते हैं उस समय, कुछ नए नए विचार आते हैं, वो बहुत अद्भुत होते हैं अपने आप में। रामायण सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी ने कहा है कि रामराज की कल्पना पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश का युवा हमारी संस्कृति से और प्रभु श्री राम से जुड़ रहा है। जब युवा जुड़ता है तो देश की तस्वीर बदलती है। रामराज की परिकल्पना जो है, मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी और योगी जी ने पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ये होगा। और हमारा जो, जैसे अरुण जी ने कहा कि जो हमारे युवा है जुड़ रहे हैं, तो जहाँ युवा जुड़ते हैं तो आगे फ्यूचर आप देख लीजिए कि डेफिनेटली मुझे लगता है आगे 10 साल में
ये राम राज्य आधा बन चुका होगा, किस तरह देखता हूँ मैं। सर तीर्थ राज प्रयाग में किस तरह आप अपने सर, सर, सर हमें लेट रहा प्लीज अब करें। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, बहुत धार्मिक माहौल है और इस माहौल को देखते, और कल जैसे हम लोग दोनों ही गए थे हनुमान जी के, लेटे हनुमान जी के, तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है यहाँ पे फील्ड। और जहाँ धर्म होता है वहाँ पे आपकी अंदर से एक शुद्धि हो जाती है, और मुझे लगता है कि वो हमें एक शुद्धि की फीलिंग आ रही है उसको लेके।